बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जो हम सब फाइलम देख रहे थे, तो सब फाइलम चिलिसेरेटा जो है इसकी मुख्तलिफ क्लासेस थी। पहले हमने क्लास पढ़ी थी क्लास मीरोस्टोमेटा, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्लास एरेकनिडा। तो आज हम क्लास एरेकनिडा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास एरेकनिडा की कुछ जो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर दी गई हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, स्कॉर्पियंस एंड रिलेटेड फार्म्स आर हार्मलेस। ठीक है, क्योंकि मतलब ये है कि क्लास एरेकनिडा के अंदर क्या मौजूद होंगे, स्पाइडर मौजूद होंगे, माइट और टिक्स होते हैं, और मोस्टली ये क्या होता है, हार्मलेस होते हैं। ये जो साथ आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आप देख सकते हैं टिक्स, माइट्स और स्पाइडर्स को, तो ये इससे बिलोंग करते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, हार्मलेस होता है। और अब बताएं, इनमें से कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं ह्यूमंस के लिए। सम आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस, क्योंकि इनसे क्या हासिल होता है, सिल्क हासिल होता है। अच्छा, जुआलॉजिस्ट बिलीव दैट अरेकनिड अरोज फ्राम द यूरिपटीराइड्स। ठीक है ना, कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि ये किससे अराइज हुए हैं, मीरोस्टोमेटा के जो सब क्लास थी यूरिपटीराइडा, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, ये अराइज हुए हैं। तो क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका जो हैबिटेट था वो क्या था, टेरेस्ट्रियल होता है। तो अर्लीस्ट जो फॉसिल्स थे एक्वाटिक स्कॉर्पियंस के, वो भी कब डिस्कवर हुए थे, साइलोरियन पीरियड के दौरान। ठीक है, अब साइलोरियन पीरियड कब का जो टाइम पीरियड है वो कब था, 405 से लेकर 425 मिलियन ईयर्स अगो। क्यों, तो क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं कि ये जो थे किससे इवाल्व हुए हैं, यूरिपटीराइडस है जो क्या थे, एक्वेटिक थे। तो अब जो जो मौजूदा हैं, ठीक है, वो क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। तो जो एक्वेटिक थे उनके जो फॉसिल हैं कब पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया साइलोरियन पीरियड के दौरान, ठीक है ना, 405 से लेकर 425 मिलियन ईयर्स अगो। द फॉसिल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल स्कॉर्पियंस वर फाउंड फ्रॉम द डिवोनियन पीरियड 350 to 400 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना, जबकि जो फॉसिल्स ऑफ अदर एरेकनिड ग्रुप हैं उनके जो फॉसिल है कब हासिल हुआ है, कार्बोनिफेरस पीरियड 282 to 345 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना, तो अब क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको पारने का क्या होता है, मसला होता है। तो इनके ये क्या करते हैं, कुछ एडाप्टिव करेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, शो करते हैं। अब एक टर्म इस्तेमाल होती है इनके लिए एडाप्टिव कंजर्वेशन, एडाप्टिव करेक्टरिस्टिक के लिए, प्री एडाप्टेशन इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ स्पीशीज विच प्रमोट्स द रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन न्यू इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो ये जो एडाप्टेशन शो करते हैं वो कहते हैं वो क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है मेंबर ऑफ स्पीशीज के अंदर जो क्या करता है, प्रमोट किस चीज़ को करता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इन द न्यू इन्वायरमेंट, जो कि न्यू इन्वायरमेंट जो होता है। क्योंकि ये पहले कहाँ पर थे, वाटर एक्वाटिक इन्वायरमेंट में थे, अब कहाँ पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये क्या करते हैं, एडाप्टेशंस को क्या करते हैं, शो करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर हम इनके फॉर्म्स एंड फंक्शंस देखें तो सबसे पहले हम इनके अंदर न्यूट्रिशन देखते हैं। मोस्ट एरेकनिड्स आर कार्निवोर्स, ठीक है ना, ये कार्निवोर्स है मतलब ये क्या है, दूसरा ऑर्गेनिज्म को ईट करके क्या करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। ठीक है ना, होल्ड द स्मॉल आर्थ्रोपॉड विद दियर चिली सीरी, क्योंकि जिनकी जो चिली सीरी होती है वो क्या होता है, फूड कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, इसलिए उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चिली सीरी में क्या होते हैं, अपेंडेजेस होती हैं, सेफेलोथेरेस के ऊपर क्या होते हैं, फास्ट अपेंडेजेस जो होती हैं, और चिली सीरी होते हैं उनके जरिए क्या करते हैं, खुराक को कैप्चर करते हैं। एंजाइम्स फ्राम द गट ट्रैक पोर ओवर द प्रे, ठीक है, जो गट ट्रैक है वो क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करती है, जो प्रे के ऊपर क्या किया जाता है, पोर कर दिया जाता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन टू द माउथ, ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम की जैसे वो जो खुराक होगी क्या होगी, पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगी, उसे माउथ में फिर क्या किया जाता है, इंजेस्ट कर दिया जाता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन टू द माउथ, सम इंजेक्ट, जो बाकी जो दूसरे होते हैं मतलब एरेकनिड्स हैं कुछ जो होते हैं, दे इंजेक्ट द एंजाइम इन टू द प्रे बाई हॉलो चिली सीरी, सो सक पार्शली डाइजेस्टेड एनिमल टिश्यू। जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम को इंजेक्ट करते हैं प्रे के अंदर, ठीक है ना, किसके जरिए, हॉलो चिली सीरे के जरिए, उसके बाद क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं एनिमल टिश्यू को और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर हम इनकी गट देखें तो गट ट्रैक ऑफ एरेकनिड डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, ठीक है ना, कौन कौन से रीजन होते हैं, फोर गट होती है, मिड गट होती है और क्या होती है, हाइंड गट होती है। ठीक है ना, अब जो फोर गट होगी इंटीरियर पोर्शन होता है, हाइंड गट पोस्टीरियर पोर्शन होगा, दरमियान में क्या होती है, मिड गट क्या होती है, मौजूद होती है। जबकि जो फोर कट होती है और हाइंड कट होती है दोनों के ऊपर क्या मौजूद है, क्यूटिकल के लेयर होती है, जबकि जो मिड कट है इसके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल मौजूद नहीं होती। ठीक
ठीक है ना। जो इसके अलावा जो फोर कट होती है उसका कुछ एक पोर्शन क्या होता है, मॉडिफाई होता है किस चीज़ के लिए, वो फेरनेस के ऊपर काम करता है। फेरनेस आपको पता है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पर पंग आर्कस है जो खुराक को नीचे की तरफ क्या करेगा भेजता है। हाइंड कट इज द साइट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। जो हाइंड कट के अंदर क्या होता है, वाटर को क्या कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मिड कट इज लाइन विद सिक्रेटरी एब्जॉर्प्टिव सेल, तो मिड कट के अंदर ऊपर क्या यूज होता है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगे। लेटरल डिवर्टिकुलर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, ठीक है ना। जो लेटरल डिवर्टिकुलर होता है ऊपर वो हिस्सा होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, खुराक की एब्जॉर्प्शन के लिए और स्टोरेज के लिए क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो इनके अंदर न्यूट्रिशन थी। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं एक्सक्रीशन। देर आर टू एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द अरेक्नर्स, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स हैं एंड मेलपीजियन टेब्यूल्स हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स किस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं एंड स्फेरिकल सैक्स होते हैं, ठीक है ना। जबकि दे आर बाथड इन द ब्लड ऑफ बॉडी सैन्यूसेस, ठीक है ना। तो इन ये जो ब्लड आता है, ठीक है ना, सैन्यूसेस के अंदर, उससे वो क्या करता है, कॉक्सल ग्लैंड को बाथ कर देगा। जो जो नाइट्रोजन नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ सैक्स। वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन थ्रू द लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब प्यूल, ठीक है। तो ये जो सैक्स होते हैं किसके साथ कनेक्टेड होंगी, लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दीज आर फाइनली एक्सक्रीटेड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर अपनडेजेस, ठीक है ना। एंड पर इसे क्या कहा जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक एक्सक्रीटरी पोर के जरिए क्या कहते हैं, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जो कहाँ पर मौजूद होता है, जो पोस्टीरियर अपनडेजेस हैं उनकी बेस पर, ठीक है ना। अगर कॉक्सल ग्लैंड की डायग्राम देखें तो नेक्स्ट जो पेज है उस पर डायग्राम मौजूद है, ठीक है ना। तो कॉक्सल ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर कॉक्सल ग्लैंड के ऊपर मसल्स होते हैं, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन, साथ में ब्रेन्स लगे होते हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। साथ एक लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब नज़र आ रही है, डक्ट होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही क्या मौजूद है, फिर ये जो सारा जो मटेरियल है, ठीक है ना, किसमें चला जाता है, एनएस के जरिए क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। बल्कि सॉरी, एनएस के जरिए नहीं, बल्कि जो क्या अपनडेजेस की बेस पर एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, पोर जो नज़र आ रहे हैं, एक्सक्रीटरी पोर है, इनके जरिए क्या कर दिया जाता है, इनको रिमूव कर दिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो दूसरी जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो दूसरा वो है मेलपीजियन टेब्यूल्स। अरेक्नर्स विच लिव इन ड्राई एनवायरमेंट हैव मेलपीजियन टेब्यूल्स, ठीक है ना। जो मतलब जहाँ पर वाटर की कमी होती है वहाँ पर जो अरेक्नर रहते हैं, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो होता है मेलपीजियन टेब्यूल्स। मेलपीजियन टेब्यूल्स आर ब्लाइंड एंडिंग्स, तो इनकी जो एंडिंग्स होती है क्या होती है, ब्लाइंड होती हैं। डिवर्टिकुलेट ऑफ कट ट्रैक, ठीक है ना, किस चीज़ से आती हैं, कट ट्रैक से। असल में कहाँ से इनका ओरिजिनेशन होते हैं, जहाँ पर फोर कट और हाइंड कट आपस में क्या क्या होते हैं, मिल रही होती हैं, वहाँ से क्या होती हैं, अरोज होती हैं। तो ये जो टेब्यूल्स हैं क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द ब्लड एंड ओपन इनटू द कट ट्रैक, और फिर दोबारा कैसे ओपन होते हैं, कट ट्रैक के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट आर देन एलिमिनेटेड विद द डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम थ्रू द एनस, ठीक है ना। डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एनस से, ठीक है। अगर आप देखें तो मेलपीजियन जो टेब्यूल्स हैं वो आपको पीछे नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, तकरीबन हाइंड गेट के साथ, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, वेस्ट मटेरियल को ब्लड को फिल्टर करती हैं, वेस्ट मटेरियल को फिर किस में इंजेक्ट कर देते हैं, गट ट्रैक के अंदर, वहाँ से ये डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ इसको बाहर एनएस के लिए क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर रेस्पिरेशन। तो दो स्ट्रक्चर हैं रेस्पिरेशन के लिए भी। पहला जो है वो है बुक लंग्स। असल में जो बुक लंग्स होते हैं क्या होती हैं, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ बुक गिल्स ऑफ मीरोस्टोमेटा। तो मीरोस्टोमेटा के अंदर जो रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर था ना, पीछे डिस्कस किया था, उनके अंदर बुक गिल्स हैं। तो ये जो बुक लंग्स हैं उन्हीं बुक गिल्स की क्या होती हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है। दे आर पेयर्ड इन्वेजिनेशन ऑफ वेंट्रल बॉडी वॉल। जो वेंट्रल बॉडी वॉल होती है वो क्या होती है, इन्वेजिनेट होती है, ठीक है। वहीं क्या ये जो इन्वेजिनेशन होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक सीरीज ऑफ लीफ लाइक लैमिना, मतलब एक कैविटीज बना दिया जाने, क्या बोलते हैं, लैमिले बोलते हैं। एयर इंटर द बुक लंग्स थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग। अब जो बुक लंग्स के अंदर एयर इंटर होगी वो किस जरिए इंटर होती है, स्लिट लाइक एक ओपनिंग होती है, उससे क्या होगी, एयर इंटर होती है बुक लंग्स के अंदर। इट सर्कुलेट बिटवीन द लैमिला, ठीक है, लैमिला के अंदर ये क्या करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है। रिस्पायरेटरी गैसेस डिफ्यूजेस बिटवीन द ब्लड मूविंग इमांग द लैमिला एंड द एयर इन द लंग चैम्बर। तो जो रेस्पिरेटरी गैस होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जो ब्लड से गैस के अंदर लैमिला हवा और के अंदर लैमिला के अंदर हवा मौजूद होगी, ठीक है ना,
तो ब्लड क्या होता है, इंटर होता है तो ब्लड क्या होता है, वहाँ पर गैसेस चेंज होता है, मतलब क्या होगा, हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाता है, फिर बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है डायग्राम नज़र आ रही है आपको बुक लंग्स की, ठीक है ना, तो बुक लंग्स के अंदर हवा क्या हो रही है, इंटर हो रही है, ठीक है ना, इसके साथ ही ब्लड क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रही है, तो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, तो ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, एरेकनेट्स के अंदर बुक लंग्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दूसरा जो है वो दूसरा जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो है ट्रैकिया। सम एरेकनेट्स हैव टेब्यूल सिस्टम कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ अ सीरीज ऑफ ब्रांच्ड काइटन लाइन टेब्यूल्स, ठीक है ना, ब्रांच्ड होती हैं और इनके पैर क्या मौजूद होती है, काइटन मौजूद होती है। दीज टेब्यूल्स डिलीवर एयर डायरेक्टली टू द बॉडी टिश्यू। ये जो टेब्यूल्स हैं क्या करती हैं, बॉडी टिश्यू को डायरेक्टली क्या पहुँचा रही थी, हवा पहुँचा रही थी जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। दीज ट्रैकिया ओपन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द वेंट्रल और लेटरल साइड ऑफ द एबडामन, ठीक है ना, ये वेंट्रल साइड पर मौजूद होंगे या क्या होंगे, लेटरल साइड पर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जो इनके जरिए ट्रैकिया के जरिए भी क्या होती है, रेस्पिरेशन इनके अंदर होती है। नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। एरेक्नर्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डार्सल कंट्रेक्टाइल वेसल्स और हार्ट पंप द ब्लड इन टू द टिश्यू स्पेस। अच्छा पहले एक बात सुन लें कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर जो ब्लड होता है वो इनक्लोज नहीं होता वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब ब्लड वेसल्स अब्सेंट होती हैं। हार्ट पंप करेगा ब्लड को, वो डायरेक्टली जाकर क्या करता है, टिश्यू स्पेस जो होती है उनके अंदर जाकर क्या करता है, ब्लड यानी उसको बात कर रहा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो पंपिंग ऑर्गन है वो हार्ट होता है या क्या होता है, कोई कंट्रेक्टाइल वेसल होता है जो ब्लड को पंप करेगी टिश्यू स्पेस के अंदर। इनके अंदर जो सैलोम होती है या बॉडी कैविटी होती है रिड्यूस होती है, स्मॉल कैविटीज़ बना देती हैं। वो जो कैविटीज़ होती हैं उनके बाहर क्या होते हैं, गुनेड्स होते हैं या कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। लार्ज टिश्यू स्पेसेस आर डिराइव फ्रॉम द ब्लास्टोसाइल कॉल्ड हीमोसाइल, ठीक है ना, जो बड़ी टिश्यू स्पेस हैं वो ब्लास्टोसाइल से ड्राइव किया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, हीमोसाइल। ब्लड बाथर्स द टिश्यू एंड रिटर्न टू द डार्सल एओर्टा थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड ओस्टिया, ठीक है ना, टिश्यू को बाथ करने के बाद ब्लड दोबारा वापस आता है किसके अंदर, डार्सल एओर्टा के अंदर, किस चीज़ के लिए, पोर्स मौजूद होते हैं, ओपनिंग मौजूद होता है जिसे ओस्टिया बोलते हैं। ब्लड हैव रिस्पायरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। ब्लड के अंदर एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसके क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन बोलते हैं। ब्लड आल्सो हैव अमीबॉइड सेल्स इन्वॉल्व विच, जो किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जो अमीबॉइड सेल्स हैं ब्लड क्लॉटिंग करते हैं या बॉडी डिफेंस में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, दे है वेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ एरेकनेट्स सेंट्रलाइज एक्सेप्ट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है क्या होता है, क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि ये केजी से बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैंग्लियंस। इसके अलावा इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। असल में जो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं वो एग्जोस्केलेटन के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शंस पोर्स एंड स्लिट्स। अगर इन्हें करेक्टली कहा जाए तो क्या बोलते हैं, इनको सेंसीला बोलते हैं। तो इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। पहला जो है वो है सीटी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सीटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेयर लाइक क्यूटिक्यूलर मॉडिफिकेशंस होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस सॉकेट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीटी इनिशिएट द नर्व इंपल्स इन एन एसोसिएटेड नर्व सेल। मतलब जो सीटी स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनस सॉकेट होती है, इनके साथ क्या मौजूद होगी, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। तो ये जो नर्व इंपल्स होगी सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए किसके पास जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इसके अलावा इनके अंदर वाइब्रेशन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो वाइब्रेशन रिसेप्टर होते हैं किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, प्रे को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर जो है स्पाइडर वेब के अंदर जो कैप्चर, जब वो क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसके साइज़ को और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं पेग्स की फार्म में, ठीक है ना। एग्जोस्केलेटन के अंदर मॉडिफिकेशन होती है पैग्स, मतलब उभार होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें पैग्स बोलते हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर जो होते हैं उनके साथ भी क्या होते हैं, नर्व सेल्स मौजूद होते हैं विच डिटेक्ट द केमिकल्स। इसके अलावा अगर इनकी आइज़ देखें, एरेकनेट के अंदर क्या होती है, वन या इससे ज़्यादा पेयर ऑफ आइज़ भी हो सकती हैं। जो प्राइमरी फंक्शन होती है आईज का वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए और लाइट इंटेंसिटी को, जो चेंजेस आती है लाइट इंटेंसिटी के अंदर, उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आईज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुछ जो हंटिंग स्पाइडर्स होते हैं
ठीक है ना, वो इमेज भी बना सकते हैं। ये आपको इनकी आई नज़र आ रही है, तो इनकी जो आईज है इसके आगे लेंस भी मौजूद है, कॉर्निया भी मौजूद होता है, ठीक है ना। सब पीछे क्या मौजूद है, विजुअल रिसेप्टर सेल्स हैं एंड्स पर ये मिलते हैं, जहाँ जिसे क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जो ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्टेड होगी, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम साथ जाकर क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है। तो नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन। अरेकनिड्स आर डायोशियस, पेयर्ड जेनिटल ओपनिंग आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स। स्पर्म ट्रांसफर इज इनडायरेक्ट, मेल पेक्स द स्पर्म इनटू स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर जो होते हैं कैप्सूल लाइक कवरिंग होती हैं, ठीक है ना, पैकेट्स बना देते हैं, इनकी वजह से स्पर्म के पैकेट्स बन जाते हैं, देन ट्रांसफर टू द फीमेल। उसके बाद ये फीमेल को क्या होते हैं, चले जाते हैं। असल में क्या होता है, मेल कन्फर्म द फीमेल ऑफ सेम स्पीशीज बाई कोर्टशिप, मतलब जिनसी मिलाप के लिए एक बिहेवियर होता है, जैसे कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं, उसे अपनी तरफ मैल करते हैं जिनसी मिलाप के लिए। कोर्टशिप आल्सो अट्रैक्ट अ फीमेल टू द स्पर्मेटोफोर, तो फिर जो फीमेल होती है स्पर्मेटोफोर के पास आ जाती है। इट आल्सो डिटरमाइन द पोजिशन द फीमेल टू रिसीव द स्पर्मेटोफोर, ठीक है ना। तो फीमेल जो होती है उस पोजिशन में आ जाती है ताकि स्पर्मेटोफोर उसके अंदर चले जाए। जबकि कुछ जो टैक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स जो हैं, इनके अंदर कपुलेशन होती है। ये क्या करते हैं, पैडी पास जो होते हैं, इनका कपुलेटरी आर्गन के तौर पर काम करती है, तो उनके जरिए क्या करते हैं, फीमेल के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। डिवेलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है, यंग हैच फ्रॉम द एग एज स्मॉल एडल्ट। मैनी अरेक्निड्स टेंड दे आर डिवेलपिंग एग्स एंड यंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिवेलपमेंट, मतलब इनके अंदर क्या होती है, पेरेंटल केयर भी क्या होती है, मौजूद होती है। तो ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन थी। नेक्स्ट जो क्लास है, जो फाइलम चिलीज सीरेटस से बिलोंग करती है, वो है क्लास पिकनोगुनीडा। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर सी स्पाइडर्स, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, किस की है, सी स्पाइडर की है। ऑल आर मेरीन, मोस्ट कॉमन इन कोल्ड वाटर्स, लिव ऑन ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर पर रहते हैं, फीड ऑन एडेरियन पोलिप, ठीक है ना। यहाँ पोली लिखा हुआ है तो ये लफ्ज असल में है पोलिप, ठीक है ना। एडेरियन जो उनकी दो बॉडी फार्म होता है, कि मेडूसा दूसरी होते हैं पोलिप, तो जो पोलिप बॉडी फार्म होती है उन पर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, एंड एक्टिव प्रोट्स के ऊपर भी क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। सम फीड्स बाई सकिंग प्रे टिश्यू थ्रू अ प्रोबोसिस, इनके अंदर एक प्रोबोसिस भी होता है, लॉन्ग सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं, टिश्यू को सक भी कर लेते हैं। सम टियर प्रे विद चिली सीरी, चिली सीरी के जरिए चीर फाड़ भी कर लेते हैं प्रे को, उनके जरिए भी खाते हैं। अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखी जाए सी स्पाइडर्स के अंदर, तो ये क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं, गुनेड्स इनके यू शेप्ड होते हैं, जो गुनेड्स हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं एक्सटेंडेड इनटू द ईच लेग, हर लेग के अंदर ब्रांचेस जा रही होती हैं। गोनोफेयर्स आर प्रेजेंट ऑन वन ऑफ द पेयर ऑफ लेग्स, लेग्स जो है उनके एक जो पेयर है उनके ऊपर क्या होते हैं, गोनोफोर्स होते हैं। फीमेल रिलीज द एग्स एंड मेल फर्टिलाइज देम, ठीक है ना। फीमेल जैसे एग्स रिलीज करते हैं तो मेल उन्हें क्या कर देते हैं, स्पर्म उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स फॉर्म स्फेरिकल मासेस, तो बहुत सारे जो एग्स हैं इकट्ठे हो जाते हैं स्फेरिकल फॉर्म में। दे आर अटैच टू द पेयर ऑफ इलांगेटेड अपनडेजेस ऑफ मेल, ठीक है। उसके बाद जो एग्स हैं कैसे अटैच हो जाते हैं, मेल की इलांगेटेड अपनडेजेस के साथ, जिसे क्या बोलते हैं, ओविगर्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इनकी क्या होती है, ब्रूडिंग होती है जब तक ये हैच नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो गुड लक, आज हमने जो सब फैलम द चिली सीटा उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। उसकी तीनों क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया, अमीरोस टोमेटा के बारे में भी, एरेकनीटा के बारे में भी, एंड पिकनोगुनीटा के बारे में भी। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।